सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस लिंक को दबाइए, इससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं और आप मेरे ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। तो इस ग्रुप पे मैं आपको बताऊंगा जब भी मार्केट ओपन होगा, मार्केट आवर्स के अंदर मैं आपको कॉल्स प्रोवाइड कराऊंगा जिस पे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए है। तो अभी आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं करा है तो अभी जाकर डाउनलोड करिए और इस लिंक को दबा के मेरे चैनल पर तुरंत ऐड हो जाइए। अभी कुल 1000 पीपल्स ऐड हो चुके हैं और भी ऐड हो जाएंगे तो आपको शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे। मैं हूं आपका दोस्त शिवांश भसीन। तो आज हम बात करेंगे कि कौन से 5 स्टॉक्स आपको लेने चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो आपको 2-3 हफ्तों में 15 से 20% तक का रिटर्न दे सकते हैं। तो मेरे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट करके बताया था कि उन्हें कुछ पोजिशनली ट्रेड्स चाहिए, जो स्टॉक्स चाहिए जो मैं उन्हें रिकमेंड करूँ 2-3 हफ्तों के लिए, जो वो बाय करके रख सके और उन्हें प्रॉफिट में 15 से 20% का अपसाइड मिल जाए, यानी स्विंग ट्रेडिंग के लिए उन्हें स्टॉक्स चाहिए थे। तो आपको अगर मैं बताऊं तो मैं आपको एक नई वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स कैसे चुन सकते हैं, कौन से 2 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने कहीं ना कहीं बताए हुए हैं कि ऐसे 2 इंडिकेटर्स जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत बेस्ट और एक्यूरेट होते हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं जो हमें सजेस्ट करते हैं, वो भी सिर्फ यही 2 इंडिकेटर्स का यूज करके सजेस्ट करते हैं। तो वो वीडियो भी मैं जल्द लाने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको वो इंडिकेटर के बारे में नहीं बता रहा हूँ, जो इस इंडिकेटर के बेसिस में मैंने स्टॉक्स 5 चुने हैं, वो 5 स्टॉक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो 5 स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। एशियन पेंट्स बाय करने की सलाह दी जाएगी, मैंने अपने व्यूअर्स को भी रिकमेंड करा है, जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने रिकमेंड करा है, 1322 के लेवल पे आपको बाय करना है। और जो मैं आपको लेवल बताता हूँ बाय करने के लिए, वो मतलब होता है कि क्लोजिंग लेवल, क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए, तो 1322 पे बाय करना है। टारगेट आपको 1360-1385 तक के मिल सकते हैं एशियन पेंट्स के अंदर। स्टॉप लॉस आपको 1287 का मेंटेन करके चलना है। तो आज मैंने अपने क्लाइंट्स को बाय करने की भी सलाह दी थी एशियन पेंट्स के अंदर, उन्होंने देखी थी बहुत अच्छी रिकवरी आई थी इसके अंदर और बहुत ऊपर के लेवल्स में जाके सस्टेन कर रहा है। और अगर 1322 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम कह सकते हैं कि इसमें अच्छी खासी फ्रेश लॉन्ग्स बन सकते हैं और जो इंडिकेटर सजेस्ट कर रहा है आपको तुरंत इसे बाय कर लेना चाहिए। DHFL हमने देखा था कि इसने जो 680 का लेवल या 675 का जो इसने टॉप बनाया था, वहां से इसने गिरावट आनी शुरू हो गई थी और वहां से ही इंडिकेटर ने सजेस्ट कर दिया था कि यहां से इसको शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी। पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है, ना कि हम कह सकते हैं कि 600 के लेवल को क्रॉस करने के लिए तैयार नहीं है, उसके पास आ चुका है, तो मैं आपको बाय करने की सलाह दे रहा हूं। अगर आपको 600 का थोड़ा सा और पास मिलता है तो भी आप इसे बाय कर सकते हैं। 598 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। टारगेट आपको अपसाइड में 670 तक के मिल सकते हैं। बर्जर पेंट्स बाय करने की सलाह दी जाएगी, जो मैंने आपको एशियन पेंट्स बताया तो बर्जर पेंट्स भी स्ट्रांग लग रहा है चार्ट स्ट्रक्चर के अंदर। अगर हम बात करें वो 2 इंडिकेटर्स बहुत स्ट्रांगली बाय करने की सलाह दे रहे हैं, तो 290 पे आपको बाय करने की सलाह दी जाएगी, क्योंकि 288 का एक स्ट्रांग हर्डल है, एक साल से इस लेवल को इसने क्रॉस नहीं करा है और वहीं पर जाके सस्टेन कर लेता है, तो 290 के लेवल को अगर ये क्रॉस करता है तो 320 तक के लेवल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 274 का लगा के चलना है। अभी जिसमें ये ट्रेड कर रहा है वो 280 में ट्रेड कर रहा है, तो अगर आप 280 पे ही बाय करना चाहते हैं तो आप ₹10 स्टॉप लॉस को नीचे रख सकते हैं। आपको टारगेट पे अपसाइड पहले हर्डल जो आपको फेस करना पड़ेगा वो 290 का करना पड़ेगा, उसके ऊपर अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो अगर आपको ऊपर के लेवल्स में मिलता है तो आप 320 तक के भी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इक्विटास बाय करने की सलाह दी जाएगी 172.50-173 के जब आपको प्राइस मिल जाए तब आपको वहां पर अपनी बैंक पोजीशन बनानी है। मैं आपको अभी भी कह देता हूं कि जो अगर 173 को टच करता है तो आपको बैंक पोजीशन ही बनानी है, क्योंकि जो इसके स्ट्रांग रेजिस्टेंस होते हैं वहां से थोड़ी ऊपर जाके हम एक डाउन साइड का पुल बैक आते देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा जब ये क्लोजिंग हो इसके ऊपर के लेवल्स में और सस्टेन करना शुरू हो तब आपको इक्विटास में बाय करना है, वरना सारे स्टॉक्स में बाय करना है। 188 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 160 का लगा के चलना है इक्विटास के अंदर।
जेके टायर्स की बात करें तो जेके टायर्स को मैं आपको सेल करने की सलाह दूंगा। चार्ज स्ट्रक्चर इज नॉट वेरी गुड, तो टारगेट्स आपको जो एक्सपेक्ट हो सकते हैं 137, 122 के एक्सपेक्ट हो सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 160 का लगा के चलना पड़ेगा जेके टायर्स के अंदर। तो मैं अब आपको एक खास बात और बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में आपको बताया था कि आप प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिए, तो अगर आपने करा होगा तो आप अच्छे खासे मुनाफे में रहे होंगे। तो मैंने आपको इंडिको बाय करने की सलाह दी थी, मैंने आपको कहा था कि यहाँ से करेक्शन हट चुका है और अब यहाँ से हम इंडिगो में रिकवरी देखेंगे, और हमने बहुत मजबूत रिकवरी देखी थी। और अगर मैं आपको बताऊं तो मैं अपने जो वेबसाइट है, तो मैंने आपको लिंक दे रखा है, तो उस वेबसाइट में सबसे ज्यादा जिन्होंने कंट्रीब्यूशन करा है, जिस कंट्रीज ने कंट्रीब्यूशन करा है, वो यूएसए और जर्मनी है। तो यूएसए और जर्मनी ने सबसे ज्यादा मेरी वेबसाइट्स को विजिट कर लिया और उन्हें सबसे ज्यादा न्यूज मिल रही है, जिनसे वो अपना ट्रेड लेने में आसानी हो रही है और वो न्यूज के सेंटिमेंट्स को समझ के मार्केट पे ट्रेड लेने में उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो मैं ये देख रहा था कि अगर मैं स्टैट्स में उसमें जा रहा था, तो मैं देख रहा था कि हमारी इंडिया कंट्री में जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो तीसरे नंबर पे आते हैं, तो मतलब वो सबसे ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहते हैं। जो भी मैं लेटेस्ट स्टॉक मार्केट के लिए न्यूज लेकर आता हूँ उस वेबसाइट में अपलोड करता हूँ, जिससे आपको पता चल पाए कि मार्केट में क्या सेंटिमेंट चल रहे हैं, क्या मार्केट की हम बता सकते हैं डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। तो एक बार आप जाके उसमें विजिट जरूर करिए, और अगर आपको वो न्यूज पसंद आती है तो उस न्यूज को रीड जरूर कर करिए। अगर आप दिन में वहां पर मैं 10 न्यूज अपलोड करता हूँ, अगर आप उसमें से कोई 5 भी पढ़ लेंगे तो आपको मार्केट के सेंटिमेंट्स के बारे में समझ जरूर आ जाएगा, और आप स्टॉक मार्केट को अच्छे और डीपली तरीके से आप एक्नॉलेज कर पाएंगे। तो यही मैं वीडियो को एंड करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अगर आपको इसमें कुछ प्रॉफिट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइएगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो भी मैं आपको ये स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ, ये भी मैं अपने इसी टाइम पे बाय करूंगा जिस टाइम पे मैंने आपको बाय करने की सलाह दी हुई है। तो मैं भी अब बाय कर रहा हूँ और आप भी बाय कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं बहुत सी लेटेस्ट वीडियोस डालते रहता हूँ शेयर मार्केट के लिए, आपके साथ नॉलेज शेयर करते रहता हूँ। तो अब वो मैं इंडिकेटर जो आपको बताने वाला हूँ वो मैं लेकर आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज नहीं तो कल तक मैं वीडियो ले आऊंगा। तो उस वीडियो को देख के आप खुद ही स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सजेस्ट कर पाएंगे और आप खुद ही ट्रेड ले पाएंगे बिना कोई एडवाइजर की सलाह के लिए। तो बेल आइकन को दबा दीजिए, अगर आपको वो लेटेस्ट अपडेट वीडियो जो मैं लाने वाला हूँ वो अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखनी है तो वो आपके ऐप और ईमेल के जरिए आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो मैं शिवांश मसीन मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।